पड़ोसी की बीवी पर नजर डालना एक अधेड़ को उस वक्त महंगा पड़ा जब युवक ने उसकी हत्या का प्रयास किया। यशोधरानगर थाने में प्रकरण दर्ज कर सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईटी गार्डन के पास पंचवटी नगर निवासी अमर मधुकर कांबले और आरोपी राजकुमार उर्फ राज आनंद पराते पड़ोसी है। राज कबाड़ी का काम करता है, अमर मजदूरी करता है, अमर नशेड़ी है। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर करीब एक माह पहले चल गई। अमर अकेले ही रहता है। अमर राज की पत्नी पर बुरी नजर रखता है, कई बार उससे छेड़छाड़ कर चुका है। अमर ने राज को उसकी पत्नी से मित्रता कराने की बात करने पर आग बबूला हुए राज ने शनिवार की शाम को ईंटों से हमला कर अमर का सर फोड़ दिया, उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ने अधिक जानकारी साझा की। इंदिरा माता नगर ही यशोधरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक झोपड़पट्टी है। तिथे दोनों बाजू बाजूला रहनारे दोघे जण आहेत, अमर मधुकर वानखेडे आणि त्याचा मित्र राजकुमार पराते। हे दोघंजण एकत्रच असायचे। अमर हा टेलरचा व्यवसाय करायचा, जिथे जिथे कपड्याचे मशीन आहेत त्याच्याकडे हात जाऊन लेबर म्हणून काम करायचा, आणि पराते हा शांतीनगर एरियामध्ये कबाडीचं काम करायचा, कबाडीच विचून तो दुसऱ्यांना विकायचा सामान भंगारचं। तर त्यांचे बाजूबाजूलाच किरायाने घर इंदिरा माता नगरला होते। दोघंही दारूच्या व्यसनात जे आहारी आहेत, आणि राजू परातेंचं मिसेसला अमर वानखेडे हा त्रास देतो आहे। गेल्या 15 दिवसापूर्वी पण त्याने तिला काहीतरी हावभाव केला होता, असलेला हावभाव केले होते। तर त्यांनी ती गोष्ट त्याच्या नवऱ्याला सांगितली, आणि राजू पराते ह्यांच्यासोबत पण तो याच्यासोबत पण तो जेव्हा एकत्र असताना त्याच्या मिसेसचं तुझी मिसेस सुंदर आहे वगैरे अशा गोष्टी करायचा। याचा राग येऊन राजू परातेने त्याला हाताबुक्क्याने मारहाण केली, पडल्यानंतर पायाने मारलं आणि बाजूलाच असलेल्या विटेने त्याच्या तोंडावर मारलं आहे। त्याच्यामुळे तो गंभीर जखमी आहे। सध्या मेहो हॉस्पिटलला अमर वानखेडे हा ॲडमिट आहे, उपचार घेतो आहे। घटना के बाद राज फरार था, उसे सोमवार की शाम को पुलिस ने धर दबोचा। वरिष्ठ निरीक्षक संजय जाधव के मार्गदर्शन में मामले की जांच पड़ताल जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।